नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सृष्टि द फ्यूचर में। आपकी नाउन की क्लासें चल रही थी। अभी तक हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तथा मटेरियल नाउन को पढ़ा चुके थे। अब आइए देखते हैं जो अगली नाउन है वो है मटेरियल नाउन। तो देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। सॉरी, मटेरियल नाउन तो हो चुका था, जो आज चलेगा वो चलेगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप या फिर सेट, किसका, किसी वस्तुओं का हो, सेट हो, किसी चीज़ का सेट हो, एनिमल का सेट हो या किसी किन्हीं व्यक्तियों का सेट हो। अगर किसी भी चीज़ का सेट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन रेफर टू ए ग्रुप और अ सेट ऑफ एनिमल थिंग्स और एनिमल और पर्संस एटसेट्रा। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रेफर करता है किसके लिए? टू ए ग्रुप, ग्रुप होना चाहिए और ए सेट, यहाँ पे सेट हो किसका? एनिमल्स का, थिंग्स का और पर्सन का। अगर किसी एनिमल्स का, थिंग्स का या पर्सन का कोई ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्लास। क्लास किसका ग्रुप होता है? क्लास ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। और क्लास में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लास क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल होता है हम लोगों का, आर्मी। आर्मी किसका ग्रुप होता है? आर्मी ग्रुप होता है सोल्जर्स का। जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। ऐसे ही ज्यूरी होती है। ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी होती है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्यूरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे क्लास, क्लास हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, आर्मी हो गया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ज्यूरी, ज्यूरी हो गया ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट। किसी भी चीज़ का ग्रुप हो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से बेंच होता है, फैमिली, गैंग, हर्ड, ये सब क्या है? ये सब ग्रुप है, ठीक है। और तो इन सबको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बेंच में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। फैमिली में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। गैंग में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। हेड में कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है किसी चीज़ का अगर समूह हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाची संज्ञा आपकी कंप्लीट होती है। किसी भी चीज़ का अगर ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन या समूहवाची संज्ञा बोलेंगे।
आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर डेफिनेशन देखें तो हम डेफिनेशन हो जाएगी नेम ऑफ इमोशन क्वालिटी एट्सेट्रा। किसका नाम होता है, नेम ऑफ इमोशन क्वालिटी, जो भी फीलिंग्स आती हैं उन सबके नाम को क्या, के नाम को हम क्या बोलते हैं, उसके नाम को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, केवल फील हो सकती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन फील ओनली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील ओनली। जैसे इमोशन है किसी के, किसी की क्वालिटी है, किसी की फीलिंग्स हैं, उनको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं ना देख सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो कौन सी नाउन होती है, नेम ऑफ इमोशन और क्वालिटीज के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन फील ओनली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल महसूस करते कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है कुछ शब्दों को जोड़कर, जैसे एसन, अगर किसी शब्द में एसन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ऐसे किसी में जोड़ देते हैं टी वाई तो क्या बन जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ऐसे किसी में जोड़ देते हैं हम लोग टर तो क्या बन जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ऐसे ही और शब्द ले सकते हैं सिप, इज्म, टीएच एटसेट्रा। ये कुछ शब्द होते हैं जिनको जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे एसन है, टी वाई है, टर है, सिप है, इज्म है, टी एच है, एटसेट्रा। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं, जैसे नेशन क्या है, एक नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किससे जोड़ कर बनाया, सन से जोड़ कर बनाया। ऐसे ही ओनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किससे मिलकर बनी है, टी वाई से मिलकर बनी है। नेशन, नेशन को हम लोग केवल महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्वालिटी होती है, इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस हो सकती है। ऐसे ही टर, लाफ्टर, लाफ्टर में टी आ जोड़ दिया, कौन सी नाउन बन गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। किसी भी शब्द में अगर ये शब्द जोड़े जाते हैं तो कौन सी नाम बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाम बन जाएगी। जैसे शिप से बनता है फ्रेंडशिप, इज्म से बन जाएगा पैट्रियोटिज्म, टीएस से बन जाएगा हेल्थ, वेल्थ, तो ये कुछ शब्द होते हैं जिनसे अगर जो किसी शब्द में जुड़े जाते हैं तो क्या बना देते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जैसे एसन था, टी वाई था, टी आर था, सिप था, इज्म था, टी एच था, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो अगर किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी गिन नहीं सकते हैं, अगर होनेस्टी को गिनने की बात की है गिन नहीं सकते हैं, लाफ्टर को गिनने की बात किया है नहीं गिन सकते, फ्रेंडशिप को गिनने की बात किया है नहीं गिन सकते, हेल्थ को, वेल्थ को किसी को नहीं गिन सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और जो अगली पहचान होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर,
कहीं भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो कैसे यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा, जैसे पोएट्री। पोएट्री किससे जुड़ के बनी है? आर वाई से जुड़ के बनी होती है पोएट्री। ऐसे सीनरी, सीनरी किससे जुड़कर बनी है? आर वाई से जुड़कर बनी है, ठीक है। तो कोई भी शब्द किसी शब्द से अगर जुड़कर बनता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है? अनकाउंटेबल होता है। और तीसरा कैसे होता है? सिंगुलर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो सीनरी का सीनरीज कर दिया है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसी यूज होती है? एब्स्ट्रैक्ट हमेशा सिंगुलर यूज होती हैं। तो ये कैसे वाक्य हो जाएगा? ये वाक्य गलत हो जाएगा। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर प्लूरल बनता दिखाई देता है तो वो वाक्य कैसा होगा? वो वाक्य गलत होगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नेम ऑफ इमोशन क्वालिटी एटसेट्रा। किसी भी चीज़ का नाम, किसका इमोशन हो, क्वालिटी हो, कोई फीलिंग्स हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन फील ओनली, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अगला है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो किस तरीके से बनती है? कुछ शब्द जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे एसन है, टी वाई है, टी आर एस सिप है, इसमें टी एच, इस तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे यहाँ पे आर वाई था। तो अगर कोई शब्द किसी शब्द से जुड़कर बनाया है तो कौन सी नाउन आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। जैसे एग्जाम्पल थे नेशन, ऑनेस्टी, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, ये सब कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला जो था क्या था? अनकाउंटेबल होती हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो कैसी यूज होती हैं? अनकाउंटेबल यूज होती हैं, कभी उनको गिना नहीं आता है। ऑनेस्टी, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, ये अनकाउंटेबल होती हैं, इनको गिना नहीं आता है। और जो अगली पहचान थी वो थी सिंगुलर। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो हमेशा कैसी यूज होती हैं? हमेशा सिंगुलर यूज होती हैं, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनेगा। अगर प्लूरल बनता है तो कैसा होगा? गलत होगा। जैसे सीनरी ऑफ कश्मीर आता है अगर हमारे सामने तो कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होगा, केवल पोएट्री होगा। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।